भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए विधानसभा चुनाव देव पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के परिवारवाद पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तीन परिवारों से चलती है। आदेश गांधी परिवार का निर्देश कमलनाथ परिवार की गलती हुई तो चांदा डिक्की परिवार को। अमित शाह ने कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तीन परिवार चलाते हैं, पहला गांधी परिवार, दूसरा कमलनाथ परिवार और तीसरा डिक्की परिवार। और जहाँ तीन तिगड़ा होते हैं वहाँ काम बिगड़ जाता है। कहावत है कि तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा। कमलनाथ पर कई भ्रष्टाचारों का आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है उन्होंने कई भ्रष्टाचार की है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए केंद्र में और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है, इसलिए अगर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं आएंगे तो कांग्रेस की सरकार उन्हें जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनाई है और केंद्र में फिर से मोदी की सरकार लाई है। हालांकि अमित शाह ने ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती। बीच में एक समय कुछ जातिवादी आंदोलन की परछाई में कांग्रेस की सरकार बन गई, एक कमलनाथ की सरकार देखी है आपने। पहले तो अकेले दिग्विजय सिंह लूट मचाते थे, अब कमलनाथ और दिग्विजय दोनों ने लूट मचाया और ढेर सारे भ्रष्टाचार, मोजर बेर घोटाला 350 करोड़, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 2400 करोड़, इपको फर्टिलाइजर घोटाला 600 करोड़, किसान कर्ज माफी का घोटाला 25,000 करोड़ रुपया, गेहूं बोनस का घोटाला 1178 करोड़। ये सारे घोटाले सिर्फ कमलनाथ जी से जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टर न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत और गजानन बोरकर की रिपोर्ट।